क्या आप भी बोरिंग से इंग्लिश सेंटेंसेस और फ्रेजेस को बोल बोल के परेशान हो गए हैं? मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ और इसीलिए आज के इस लेसन में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस और सेंटेंसेस जिनको बोल करके आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों को और ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आज से वो बोरिंग फ्रेजेस और बोरिंग सेंटेंसेस को छोड़ करके सीख लीजिए ये इंग्लिश फ्रेजेस और सेंटेंसेस जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। मैं अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं एंजल्स इंग्लिश लर्निंग पर, जहां हम सीखते हैं कुछ न्यू इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेजेस सेंटेंसेस थ्रू हिंदी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आई एम फिट एंड हेल्दी। नो, इट्स वेरी बोरिंग एंड कॉमन। यू कुड यूज आई एम फिट एज अ फिडल। फिडल का मतलब होता है एकदम बढ़िया, ठीक ठाक, चकाचक। तो आप कहेंगे आई एम फिट एज अ फिडल। अगला है टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री। मुझे टेक्स्ट करना, मुझे मैसेज करना जब तुम फ्री होना। नो, यू कुड यूज हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री। मुझे मैसेज करना, टेक्स्ट करना जब तुम फ्री होना, बट फॉर दैट यू हैव टू से हिट मी अप। अगला है शी इज सो ब्यूटिफुल। नो, यू कुड से शी इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। वो एकदम बढ़िया गॉर्जियस है, इतनी सुंदर है कि उसको देख के मतलब किसी का भी कत्ल हो जाए, कोई भी मर जाए। सो वहां मरना नहीं है, वहां पर आपको ये सेंटेंस यूज करना है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, स्मार्ट लगता है। तो आप स्मार्ट इंग्लिश के लिए यहाँ पर इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। कोई मरने वाला नहीं है इस सेंटेंस को बोलने के बाद, बट यू कुड से शी इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। वो एकदम बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। अगला है आई एम टायर्ड। नो, यू कुड यूज आई एम वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब होता है एकदम थका, मांदा, हैरान, परेशान। तो मैं एकदम बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरे उठने की भी हिम्मत नहीं है। सो यू हैव टू से वर्न आउट, नो मोर टायर्ड। नेक्स्ट इज हरी अप। नो, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। इट्स वेरी बोरिंग एंड कॉमन। यू कुड से चॉप चॉप, वी आर गेटिंग लेट। चॉप चॉप का मतलब भी होता है जल्दी जल्दी, जल्दी करो, हमें बहुत ज्यादा देर हो रही है। सो नेक्स्ट इज शी इज टॉकिंग नॉनसेंस। नो, शी इज टॉकिंग रबिश। रबिश का मतलब भी होता है मूर्खता भरा या बेकार। तो वो बेकार की बातें कर रही है, वो मूर्खता भरी बातें कर रही है। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी। नो, इट्स वेरी कॉमन इन बोरिंग। यू कुड से आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे अपोलॉजी चाहिए, मुझे खेद है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सो नेक्स्ट इज आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। नो, यू कुड से आई स्क्रूड अप, मैंने सब बर्बाद कर दिया, निराश कर दिया। बेसिकली स्क्रूड अप का मतलब ही होता है निराश कर देना। तो मैंने सभी को निराश कर दिया अपनी इस गलती से। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू से आई मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट इज सॉरी आई फेल्ट अस्लीप। सॉरी, मेरी आंख लग गई या मैं सो गया। नो, यू कुड यूज सॉरी आई नॉडेड ऑफ। सॉरी, मेरी आंख लग गई या मुझे झपकी आ गई। नॉडेड ऑफ का मतलब भी होता है आंख लगना या झपकी आना। तो इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे लेसन के एंड तक, और हमारा जो आज का लास्ट एडवांस्ड वर्ड है, एडवांस्ड सेंटेंस है, दैट इज स्वैम्प्ड। जी हाँ, इसको आप कैसे यूज करेंगे। आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी था, मैं काम में बहुत व्यस्त था। यू कुड से आई वॉज स्वैम्प्ड। आपको नहीं कहना है कि मैं बहुत बिजी था। यू कुड से आई वॉज स्वैम्प्ड, मैं काम से एकदम भरा हुआ था, मेरे पास कुछ भी सोचने समझने का, कुछ भी सुनने का टाइम नहीं था। आई वॉज बैडली स्वैम्प्ड। तो आपने आज सीख लिए ये एडवांस्ड सेंटेंसेस। अब आपको छुटकारा मिल जाएगा उन बोरिंग से सेंटेंसेस से जिनको आप रोज यूज कर करके बोर हो चुके हैं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप इनमें से कौन सा सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। मिलती हूँ मैं आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।
टेक केयर, बाय।